विज्ञान विकास की धुरी है और मीडिया संचारक। विज्ञान विकास और मीडिया के अंतर संबंधों की पड़ताल के लिए धर्म और आध्यात्म की नगरी हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट में दो दिवसीय 22 और 23 अक्टूबर सन 2016 को पांचवें मीडिया चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इस पांचवें मीडिया चौपाल में देश भर से आए इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार, चिंतक, विचारक और मीडिया छात्रों ने भाग लिया। इस मीडिया चौपाल का आयोजन स्पंदन, इंडिया वाटर पोर्टल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, निस्केयर और दिव्य सेवा प्रेम मिशन जैसे संस्थाओं के सहयोग से संभव हुआ। इस पांचवें मीडिया चौपाल के उद्घाटन सत्र में चिंतक और विचारक श्री के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि विकास प्रकृति केंद्रित होना चाहिए। उद्घाटन सत्र में ही बोलते हुए हरिद्वार के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विकास के विविध आयाम होने चाहिए और साथ ही समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। मेरे को कहा गया विज्ञान और ज्ञान, विज्ञान का विकास, विकास विकास केवल क्या भौतिकता का विकास होता है? एक आदमी के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास स्वास्थ्य नहीं है, एक आदमी के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास सुख और शांति नहीं है। विकास का तो विभिन्न आयाम होने चाहिए, ठीक है, जहां भौतिक विकास होना चाहिए वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के बिना विकास की अवधारणा बिल्कुल बेकार है। निस्केयर के प्रमुख और विज्ञान संचारक डॉक्टर मनोज पटेरिया ने कहा कि विज्ञान और संचार मिलकर समाज को विकास का रास्ता दिखा सकते हैं। ये जो विज्ञान है प्रयोगशालाओं से निकल करके जन जन तक काम आने वाला विज्ञान, समाज के काम आने वाला विज्ञान, समाज में एक जो जरूरत है उसमें वैज्ञानिक और विज्ञान किस प्रकार से भूमिका निभा सकते हैं, मीडिया उसमें किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश की। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार किया गया मीडिया चौपाल नामक अखबार का विमोचन भी किया गया। मीडिया चौपाल के पहले दिन भक्ति निष्काम और भक्ति विज्ञान मुनि जैसे विद्वानों ने भी संबोधित किया। मीडिया चौपाल के दूसरे दिन की शुरुआत श्री भुवन भास्कर ने सभी चौपालियों के स्वागत के साथ किया। मीडिया चौपाल के दूसरे दिन श्री बलदेव शर्मा, मीनाक्षी अरोड़ा, कुमकुम गुप्ता, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुखनंदन और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। दूसरे दिन के इस सत्र में प्रवीण कुमार झा की पुस्तक टेलीविजन और सत्य कथा का विमोचन भी किया गया। इस सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत किए। दूसरे दिन के सत्र में श्री बलदेव शर्मा ने कहा कि आज मोबाइल के माध्यम से सूचनाओं का अंबार लोगों के हाथ में आ गया है। एक और लगातार समाचार पत्रों में और प्रसार माध्यमों के द्वारा ये बात कही जाती है कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल फोन हो गए। आप लोगों ने भी ये खबर पढ़ी। प्रोफेसर सुखनंदन ने कहा कि विकास के लिए किसानों को ये बताने की जरूरत है कि खेती मुनाफे का सौदा है। फार्म रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश है हर स्टेट में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो गांव का के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी नई तकनीक इजाद कर रही है, कई एनजीओ एक्टिव है जिससे कि किसानों का भला हो, लेकिन किसान जो है उसको देने के लिए तैयार नहीं। इसका जो मेन कारण हमें लगता है जो वर्तमान सिचुएशन है भारत में, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल जिससे हम ज़्यादा यहाँ काबू करते हैं, इसी सत्र में बोलते हुए आर्थिक पत्रकार
श्री ऋषभ ने कहा कि सूचनाओं में से संदेश निकालने की योग्यता एक पत्रकार में होनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे जो मुद्दा था कि सूचनाएं बहुत है, सूचनाओं का अंबार है, संदेश का आकार है। संदेश का आकार बिल्कुल नहीं है, सूचनाओं का अंबार है, सूचनाएं बेहिसाब है और संदेश भी बेहिसाब है। आपको सूचना में से संदेश को कहना है, क्या आप सूचना में से संदेश को कह पाते हैं? पर कहकर पत्रकार होने के नाते आप क्या उस संदेश को सही जगह पर सही तरीके से पहुंचा पाते हैं? अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो कुवत है, वो क्षमता है, तो आप सूचना में से एक सूचना में से चार संदेश निकालते हैं। और वो आपके अंदर कुवत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप नहीं निकाल पाते। श्रीमती मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि आंकड़ों के साथ ऐसी विकास परक स्टोरी लिखी जाए जो लोगों को एक सार्थक दिशा प्रदान करें, इससे मीडिया की भूमिका सार्थक होगी। एक किसान पत्रकार इस तरह का लेखन करें, जिस मुद्दे को या जिस स्कीम को या जिस बात को आप जिस समुदाय तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी बात को ऐसे रखें कि उन्हें वो लगे कि हाँ उनको कुछ मुनाफा, कुछ आर्थिक लाभ होगा। जो भी काम वो करेंगे उसमें कुल मिला के उसका उद्देश्य उनको वो पैसा कमाना या उसका डबल ट्रिपल जो भी है वो मिल जाएगा। अगर इस तरह से अपनी स्टोरी को एक इकोनॉमिक स्टोरी पेश करके करें तो मुझे लगता है वहाँ मीडिया अपना रोल प्ले कर सकती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर कुसुमलता ने मीडिया चौपालियों से कहा कि भारत से जुड़ी अनेक अनकहीं जानकारियाँ किताबों में छिपी है, इन्हें पढ़कर लोगों के सामने लाना चाहिए। हरिद्वार की पावन धरती पर आयोजित इस पांचवें दो दिवसीय मीडिया चौपाल में स्पंदन के डॉक्टर अनिल सौमित्र, इंडिया वाटर पोर्टल के श्री सिराज केसर, योजना पत्रिका के संपादक श्री रितेश पाठक, श्री हर्षवर्धन त्रिपाठी, श्री आशीष अंशु, लोकसभा टीवी के श्री अनुराग पुनेठा सहित अनेक विचारकों ने अपने विचारों से मीडिया चौपालियों को संबोधित करते हुए विज्ञान विकास और मीडिया के अंतर संबंधों पर मंथन किया। इस दो दिवसीय मीडिया चौपाल का समापन भोपाल में आयोजित होने वाली अगली मीडिया चौपाल के आमंत्रण के साथ हुआ।